सेकेंड क्लास सेवन सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन टू। देखो मैंने कल की वीडियो में आपको लिंग की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। फर्स्ट आता है अकारांत। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से आकारांत मतलब अकारांत से आकारांत बनाना। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से आकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अकारांत से शब्दों से क्या होता है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों से आकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे छात्र है, छात्र अकारांत है तो छात्रा आकारांत हुआ ना, आ की मात्रा लग गई तो ये क्या कौन छात्रा क्या बन गया स्त्रीलिंग। वैसे प्रिय है, प्रिय से क्या बना प्रिया। श्याम से श्यामा, सूत से सूता। ठीक है, फिर आता है अकारांत एवं आकारांत शब्दों से इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अकारांत एवं आकारांत शब्दों से इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे लड़का का लड़की, गूंगा का गूंगी, गा काला का काली, मुर्गा का मुर्गी, साला का साली, नाना का नानी, मोटा का मोटी, दादा का दादी, बकरा का बकरी, भतीजा का भतीजी, पुत्र का पुत्री, बेटा का बेटी, नर का नारी, घोड़ा का घोड़ी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, टोप का टोपी, मामा का मामी, चाचा का चाची। क्योंकि अकारांत और आकारांत दोनों से क्या बन रहे हैं, दोनों शब्दों से इकारांत कर दे, दोनों शब्दों को अकारांत शब्द भी हो या आकारांत भी, ए वाली मात्रा वाले भी हो या आ वाली, दोनों शब्दों को ई वाली मात्रा करते हैं ना, तो क्या बन जाते हैं स्त्रीलिंग। अब आता थर्ड, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अकारांत जो शब्द होते हैं उसमें नी जोड़ देने से वो भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे मोर मोरनी, शेर शेरनी, भील भीलनी, जाट जाटनी। जैसे नट नटनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, राजपूत राजपूतनी। उसी प्रकार जातिवाद जातिवाद जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके जो जातिवाचक शब्द आपको पता है, माली है, लड़का है, जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके इन लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिवाद जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर, जैसे माली ई, अंतिम स्वर क्या है माली में ई, तो ई को क्या कर दो लोप, और उसमें क्या जोड़ दो इन, क्या जोड़ दो इन, क्या जोड़ना है इन। तो जैसे माली, माली का अपन ने लोप कर दिया, माल हो गया, तो इन लगा दो तो क्या बनेगा मालिन। जैसे पुजारी का, पुजारी का री का लोप कर दिया तो क्या बनेगा पुजारिन। नाग, नाग का क्या बनेगा नागिन। कुमार का कुमारिन। धोबी का धोबिन। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।